आज हम आपको कच्चे चावल से ऐसा टेस्टी नाश्ता बनाकर दिखाएंगे जो आपने शायद ही कभी खाया होगा। यह नाश्ता देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। आपका वेदिका किचन किंग में स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, चावल को हमने 5 से 6 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब हम चावल को सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। चावल को हम एकदम बारीक बारीक पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए, चावल हमारा पीस चुका है। इसे एक बर्तन में उठा लेते हैं और इसी तरीके से मैं सारे चावल को पीस कर रख लेती हूँ। इधर मैं धनिया पत्ती भी काट लेती हूँ। प्याज को भी काट लूंगी बारीक बारीक। देखिए, प्याज को हम बहुत छोटे छोटे काटेंगे। आलू को भी छील लेते हैं और इसे कद्दूकस कर लेंगे। और देखिए, हमने जो चावल को पीस कर रखा था उसमें हम 2 से 3 चम्मच सूजी डाल लेंगे। सूजी डालने से नाश्ता जो है हमारा बहुत ही कुरकुरा बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। एक चुटकी हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च जीरे का पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा अजवाइन भी डालेंगे क्रश करके, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिश्रण हमारा ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। देखिए, इस तरीके का मिश्रण हमारा होना चाहिए। इसमें हमारी मिर्च भी डाल लेते हैं जो आलू हमने कद्दूकस करके रखा है। देखिए, धनिया पत्ती भी डाल लेते हैं, प्याज भी डाल लेते हैं। अब इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि इसमें भी टेस्ट आ जाए। और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम चूल्हे में ईंधन को जला लेंगे। चूल्हे पर हम बर्तन रख लेते हैं। थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे ताकि जो नाश्ता हम बना रहे हैं वो चिपके ना बर्तन में। और देखिए, थोड़ा थोड़ा मिश्रण को डाल लेंगे। इसी तरीके से हम 2 से 3 नाश्ता जो हम इस पे बना सकते हैं। देखिए, हम 3 बना लेंगे एक साथ। जो आलू का मिश्रण हमने बना कर रखा था उसको हम थोड़ा थोड़ा इस पर रख लेंगे। देखिए, बहुत ही लाजवाब नाश्ता तैयार होगा हमारा। थोड़ा थोड़ा हम तेल डाल लेंगे, करीबन 1/2 चम्मच ही डालेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि ये जो हम इसको पलटेंगे तो ये चिपके नहीं। देखिए, एक एक करके इसे हम पलट लेंगे।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए नाश्ते का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखिए फिर से इसे हम पलट लेंगे। तो देखिए इधर जो आलू का मिश्रण भी हमने डाला था वो भी बहुत अच्छे से पक चुका है। देखिए नाश्ता हमारे बन के तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से मैं और भी नाश्ता बनाकर रख लूंगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे हम सुबह चाय के वक्त और शाम की चाय के वक्त बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और ये नाश्ता सभी को बहुत ही पसंद आने वाला नाश्ता है। देखिए ये भी नाश्ता हमारा बनके तैयार है। इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आने वाला नाश्ता है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसी तरीके से नाश्ता बनाइए खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा बना हुआ नाश्ता कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।